नमस्कार, प्रणाम, ओम नमो नारायण। मैं स्वामी आनंद गिरी अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु के रूप में और लाइफ कोच के रूप में, मेंटोर के रूप में आपके साथ हूं। और आज का हमारा टॉपिक बहुत शानदार है, जिसे हम सब जानते हैं बखूबी, और उसी को जानने की कोशिश करते हैं, जिसको हम कहते हैं ध्यान। हम कहते हैं ना, ध्यान से करना, ध्यान से चलना, ध्यान से गाड़ी चलाना, पर वो ध्यान क्या है वो नहीं जानते। वो ध्यान किसे कहते हैं वो नहीं पता। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं या अन्य मित्रों से पूछे, यार आई वॉन्ट टू डू मेडिटेशन बट आई डोंट नो हाउ टू डू, आई वॉन्ट मेडिटेट माई सेल्फ बट आई डोंट नो हाउ टू डू टू मेडिटेट। मैं अपने आप को ध्यान में, ध्यान की अवस्था में ले जाना चाहता हूं, पर ध्यान नहीं होता है। लोग योगा करते हैं, आसन करते हैं, जिम करते हैं, बॉडी को बढ़िया बनाते हैं, सुंदर कसावा बदन होता है, लेकिन मेडिटेट नहीं है, यानी हमारी एकाग्रता नहीं है, मेमोरी लॉस और उसके साथ साथ में गुस्सा और उसके साथ साथ में ईगो, ये डेवलपमेंट हो जाते हैं, पर ध्यान नहीं होता है। थोड़ा बहुत भी कोई योगा करता है तो बोलता है, मैं तो रोज योगा करता हूं, मेरे जैसा फिट कोई नहीं हो सकता, मैं तो रोज जिम करता हूं, मैं एकदम फिट हूं, मैंने डॉक्टर से चेक कराया, मेरे सारे के सारे विटामिन एकदम एक्यूरेट है। ये ईगो है, जो होता है उसे बोलना नहीं पड़ता। सोना है ना, गोल्ड कहीं पड़ा हो, किसी के गले में हो, किसी की तिजोरी में हो, किसी के चरणों में हो, किसी के पास हो, वह अपनी चमक अपने नाम से, अपने होने से बता देता है। एक मनुष्य की सबसे अच्छी निशानी यह है कि उसका स्वभाव और उसका चेहरे का जो नूर है ना, वह बता देता है कि व्यक्ति कितना शांत और कितना सहज है। हमारे भीतर की सहजता सिर्फ ध्यान से ही आ सकती है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हमारे भीतर की शांति हम सिर्फ मेडिटेशन के माध्यम से ही महसूस कर सकते हैं। हमारे भीतर का सुकून हम ध्यान के माध्यम से महसूस कर सकते हैं। ध्यान जो अष्टांग योग की अंतिम परिधि है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि ने अंतिम स्वरूप में लिखा ध्यान। ध्यान क्या है और ध्यान क्यों जरूरी है? जैसे पेट में भूख लगती है ना, तो क्या आवश्यक होता है? खाना। और खाने में अगर हमने कुछ गलत खा लिया तो क्या होता है? पेट में दर्द होता है, फिर खाने से डरते हैं। ऐसे ही मनुष्य के जीवन की व्यस्तताएं मनुष्य को अशांत बना देती है, और अशांत व्यक्ति दूसरों को अशांत बनाने की कोशिश करता है, अभिमान आ जाता है। जैसे रावण, महाज्ञानी, रावण का नाम लिया जाए तो सीधे सीधे उसके साथ लगता है, रावण संहिता है ना, एक उसके द्वारा रचित शास्त्र है, उसका नाम है रावण संहिता। रावण ने एक स्तोत्र गाया हनुमान भगवान शंकर का, जटाटवी गल जल प्रवाह वाह वस्तले गले विलंब लंब तांभुजंग तुंड मालिकम, शिव तांडव स्तोत्र रावण के द्वारा रचित है। क्या सुंदर नृत्य करता था रावण, क्या अद्भुत विद्वता थी उसकी, लेकिन मन शांत नहीं था, अभिमान था मन में। भगवान को 10 सर देकर के वो महाबलशाली बना, लेकिन फिर भी शांत नहीं था, क्योंकि उसके पास ध्यान नहीं था। ईश्वर की इबादत का सबसे सुंदर तरीका है ध्यान, शांत हो जाना। मैं क्या हूं ये मैं जानता हूं और मेरा रब जानता है, बस इसके सिवाय मुझे किसी को कुछ बताना नहीं है, इसके सिवाय मुझे किसी से कुछ कहना नहीं है। मैं जो हूं वो मैं आपके सामने हूं, मुझे खुद को बार बार इंट्रोड्यूस ना करना पड़े, मुझे खुद को बार बार ये बताना ना पड़े कि मेरा सम्मान करो, मेरे लिए आसन लगाओ, मेरे लिए खड़े हो जाओ। मेरा अस्तित्व ही मेरी शांति है, मेरी सहजता ही मेरी संपत्ति है, मेरी मुस्कुराहट और मेरा स्वाभाविक खुश रहना ही मेरी मित्रता है। आपको पता, हु इज योर लाइफ पार्टनर, आपके जीवन का आपका जीवन साथी कौन है? जिससे आप विवाह करते हैं वो जीवन साथी है, लेकिन वो शरीर का जीवन साथी है। आपका जीवन साथी कौन है? जैसे ये हाथ, ये हाथ किसका है? मेरा है, लेकिन मैं हाथ नहीं हूं। ये पांव किसका है? मेरा है,
लेकिन मैं पांव नहीं हूं, मैं कौन हूं? मेरा संबंध किससे है? भगवान शंकर ने एक बहुत सुंदर, आदिगुरु शंकराचार्य जी ने ईश्वर की इबादत करते हुए एक बात लिखी, एक आम प्रमादी मनुष्य के लिए, आलस्य रूपी मनुष्य के लिए, आत्मा त्वं गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरं ग्रह पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। आत्मा त्वं गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरं ग्रह, जो आत्मा है यह गिरजा है, भगवान की अंशावली, भगवान की अर्धांगिनी, प्राण शरीर ही भगवान का निवास स्थान है, मेरी एक्टिविटी ही भगवान की पूजा है, और मेरा सोना ही भगवान की समाधि है। खुद को भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना, खुद को ईश्वर के अंदर एकदम इन्वॉल्व कर देना, और वहां से आपके जीवन में ध्यान की परिधि आरंभ होगी। जब तक ये नहीं करोगे तो आंखें बंद करके ओम बोलने से मन शांत होने वाला नहीं है। फोटो खिंचवा लेना, वीडियो बना लेना, दैट्स ये एक फिल्मी दुनिया हो सकती है, लेकिन ये आध्यात्मिक दुनिया नहीं हो सकती। भीतरी शांति के लिए शांत स्वभाव का होना अनिवार्य है। खुद को भगवान के प्रति समर्पित कर देना और फिर भगवान के द्वारा बनाए संसार से प्यार करना, क्योंकि जिसे आप प्यार करते हो ना उसकी हर चीज आपको बहुत अच्छी लगती है, उसके अंदर बुराई दिखेगी ही नहीं। जैसे एक हंस हंसनी से प्रेम करता है, एक युगल प्रेमी युगल प्रेमिका से प्रेम करता है, उसके बातें, उसके शब्दावली, उसका दिखना, उसका उठना, उसका बोलना, उसका चलना, उसका खाना, उसके कपड़े, हर चीज उसको प्रिय हो जाती है। जो संसार का प्रेमी है वो इतना बावरा हो जाता है, तो कल्पना करो वो जगदीश जो जगत पिता है उससे प्रेम हो गया तो हमारी स्थिति क्या होगी। और याद रखो, बाबा गोस्वामी ने एक लाइन लिखी है, जगत मजूरी देत है क्यों राखे भगवान। संसार के लोगों से प्रेम करते हैं, संसार के लिए नौकरी करते हैं, संसार के लिए मजदूरी करते हैं, तो वह भी रिटर्न में कुछ ना कुछ देता ही है, रखता नहीं है। जिसे बहुत कुछ चाहिए वह भी देना जानता है। तो जिस परमपिता परमात्मा के लिए अगर हम ध्यान करेंगे और उसको हम अपने आप को समर्पित करेंगे तो वह रिटर्न में क्या नहीं दे सकता। प्रभात काल के ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के भगवान की इस संसार को पहले एक बार चिंतन में लेके आए, ईश्वर आपने जल बनाया, आहा अद्भुत शीतलता के साथ बनाया, जल ना होता तो संसार कैसे होता, मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं, आपने जल बनाया है, आपने इतनी सुंदर हवा बनाई है, वायुमंडल तैयार किया है जो सुगंधित है, जो दिव्य है, जो ऑक्सीजन से भरा हुआ है, जो पवित्रता से भरा हुआ है, गहरी सांस के साथ ये पवित्रता सदैव मेरे भीतर निवास करे, भगवान का इसमें धन्यवाद किया जाए। फिर ये ध्वनियां, पक्षियों का चहकना, चिड़ियों की चहचहाट, सुंदर सुंदर उड़ते हुए पक्षी, पेड़ के पत्ते आपस में टकराते हुए, सरसराहट की सुंदर आवाज, नदियों के कलकल की आवाज, झरने के गिरने की आवाज, इस आवाज को अपने कानों में सुनो, महसूस करो, क्या सुंदर प्रकृति है। फूल का खिलना, भौरे का उड़ना, चिड़ियों का चहकना, कोयल का बोलना, उसको महसूस करो, जहां भी हम बैठे हैं ना उसको महसूस किया जाए। इसको कहते हैं धारणा, इमेजिनेशन। इफ यू कांट इमेज टू गुड थिंग देन यू कांट डू मेडिटेट योरसेल्फ। इफ यू वांट टू मेडिटेट योरसेल्फ मस्ट फर्स्ट क्रिएट योर इमेज वर्ल्ड। अपने धारणा के संसार का निर्माण करिए। मैं किसी नदी के किनारे बैठा हूं, बहुत सुंदर जल बह रहा है और उस जल की कलकल नदाद करती आवाज मुझे बहुत आनंदित कर रही है।
इस नदी के चारों ओर जो वृक्षावली है, जो पेड़ है ना, वो बहुत सुंदर, बड़े घने घने सघन है। सुबह की सूरज की किरणें उस नदी के जल को सोने की तरह, हीरे की तरह, मोतियों की तरह छलछलाते लहरा रही है। सुबह के उड़ते पक्षी मुझे जैसे ऊर्जा दे रहे हैं। इस नदी के किनारे जो पुष्प है ना, वो पुष्प मुझे आनंदित कर रहे हैं। ये धारणा, समुद्र के किनारे की धारणा, किसी बहुत विशालकाय जंगल की धारणा, किसी दिव्य देवस्थान पर बैठे हुए मन की धारणा, मस्जिद का किनारा हो, मंदिर का किनारा हो, गुरुद्वारे का परिसर हो, किसी ऐसे स्थान की धारणा जो आपके दिल के सबसे करीब हो, उस संसार को अपने भीतर समाहित करिए कुछ क्षणों के लिए, और फिर लंबे ओम बनाइए। ओम बनाने की परिधि बताता हूं, ओम कैसे बनने चाहिए। भगवान ने हमें श्वासें गिन के दी है, साल दिन महीने नहीं दिए हैं कि कितने महीने जिएंगे, कितने साल जिएंगे। श्वासें ना यही गिन के दी हुई, जितनी निकल जाए उतनी जैसी आराम है। और एक बार एक व्यक्ति एक दिन में 24 घंटे में एक स्वस्थ व्यक्ति, एक नॉर्मल व्यक्ति 21,600 श्वास लेता है। एक मिनट में सहज साधारण व्यक्ति 32 से 50 सांस लेता है। अगर वही सांसें धीरे धीरे कम हो जाए, जैसे सोते हुए श्वास की गति होती है 32-35 के आसपास, भोजन करते हुए श्वास की गति होती है 40, चलते हुए श्वास की गति होती है 28-30, और भागते हुए दौड़ते हुए श्वास की गति बढ़ती है 50-55-60। सोते हुए श्वास बहुत तेज भागता है, बैठ करके ध्यान करने में श्वास की गति बहुत कम खर्च होती है। यानी एक मिनट में 16 श्वास लीजिए, कितनी 16। तो श्वास को लंबा बनाने के लिए लंग्स को मजबूत करना पड़ेगा, लंग्स को मजबूत करने के लिए जो प्रदूषित वातावरण से दूर रहना पड़ेगा, और उन सबसे दूर होने के लिए मेडिटेट करने के लिए स्वयं को ओमकार के सानिध्य में जाना पड़ेगा। ओमकार क्या है अंग्रेजी में समझिए, हिंदी में जैसे ये मात्रा होती है ओम की, तो पहले बनता ओ और फिर बनता एम, ऊपर बिंदी रखती है एम, तो अंग्रेजी में ऐसे समझे ए यू एम। तो ए और यू को हमें ले जाना है 15 सेकंड, और 5 सेकंड बीच में रहेगा एम, ऐसे 20 सेकंड का एक बनेगा ओम, 25 का बन सकता, 30 का बन सकता, जितने सेकंड हम खींच पाए। लेकिन इस प्रकार से ओम को बनाए कि 75% पार्ट ए और यू का, 25 पार्ट है एम का। देखिए मुझे, पहले श्वास को बाहर निकालिए, फिर श्वास को लीजिए, रोकिए और धीरे से आवाज हो, यह हुआ एक ओम, बहुत सुकून देने वाला ओम है। जिस बाहरी वातावरण को हमने इमेज किया, वह पवित्रता हमारे भीतर इसी ओम के माध्यम से जाएगी। धीरे 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 हम स्व आत्म केंद्रित होने लगेंगे, और वही ध्यान हमारे मस्तिष्क में पवित्रता, ओजस, तेज लेकर के आएगा। वही ध्यान हमारे जीवन में हमारी मेमोरी को मजबूत बनाएगा। वही ध्यान हमारे मध्य एक अद्भुत शक्ति का संचार करेगा, जो हमें मेडिटेट करके स्वस्थ बना देगा। ध्यान का पहला स्टेप, विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप जरूर लिखें और इसे शेयर करें, रिकमेंड करें, लोग इसका लाभ लें। मैं फिर अगले टॉपिक पे आपके साथ बात करूंगा इस विषय में। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो निस्संदेह अपने कमेंट्स मुझे इन लिंक्स पे ले निकाल करके दें। मैं कोशिश करूंगा कि अगले सेगमेंट में आपके उत्तर दे सकूं।
आप सभी को प्रणाम, ओम नमो नारायण।